नमस्कार दोस्तों, BRMGSS स्टूडेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ई श्रम का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन करिए। गूगल क्रोम में आप टाइप करिए register.eshram.gov.in, आपका पेज खुल जाएगा इस तरह। और बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आपको बता रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, वो बैंक डिटेल्स चाहिए, और आपका एज जो है 16 से लेकर 59 के अंदर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अभी आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है वो आपको पहले भरना रहेगा। मैं अभी फिल कर लेता हूँ, अभी अपना फिल कर लीजिएगा। उसके नीचे देखिए कैप्चा है, कैप्चा फिल कर लीजिए। नीचे का जो दो ऑप्शन है उसको नो कर लीजिएगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे सीधा आ जाएगा, 6 अंक वाला रहेगा, 6 डिजिट का रहेगा। उस ओटीपी को इसमें फिल कर लेना है। लो जी, हमारा ओटीपी आ चुका है ऑलरेडी, हम अभी फिलअप करने जा रहे हैं, आप भी अपना फिलअप कर लीजिएगा। हम अपना ओटीपी फिलअप कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी सबमिट में क्लिक करेंगे। अब हमारा आधार वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपना आधार नंबर एंट्री कर सकते हैं, 12 अंकों वाला आधार नंबर एंट्री कर सकते हैं। फिर जो बॉक्स है उसमें टिक करके सबमिट कर दीजिए, सबमिट हो जाएगा और एक ऑप्शन खुल जाएगा जो आपका और एक ओटीपी मांगेगा, जो आप मोबाइल नंबर जिसमें लिंक है आधार में, उसी में आपका जाएगा ओटीपी, 4 अंकों वाला ओटीपी रहेगा, वो फिल कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड कर दीजिए, वैलिडेट हो जाएगा। अभी वैलिडेट कर दीजिए ग्रीन वाला बटन। अब आपका सारा डिटेल जो है पर्सनल डिटेल्स वो पेज खुल जाएगी, चेक कर लीजिए अपना डिटेल्स, हम भी चेक कर रहे हैं। फिर अगेन टिक करके, आई एग्री पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगी, इसमें तो आपका ऑलरेडी एक नंबर रहेगा, अगर आप चाहे तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर दूसरा भी दे सकते हैं। ईमेल मैंडेटोरी नहीं है, चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी रहेगा वो फिल कर लीजिएगा फॉर्म के हिसाब से, फादर नेम हस्बैंड नेम जो भी है आप फिलअप कर लीजिएगा। फिर आपका आएगा सोशल कैटेगरी, उसमें आपका कास्ट फिलअप कर लीजिएगा, यानी कि जैसे SC ST OBC जनरल है जो भी है वो फिलअप कर लीजिएगा। फिर नीचे आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप रहेगा
और सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन सारा नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब आपका दूसरी पेज खुल चुका है, रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह इसमें रहेगा, रेसिडेंशियल डिटेल्स, इसमें आपका होम टाउन जो है, होम सिटी सॉरी स्टेट, वो फिल कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर सारा फॉर्म को भर दीजिएगा। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका तीसरा पेज खुल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भर दीजिएगा। आपका मंथली सैलरी वगैरह एवरीथिंग, जो भी डिटेल्स मांगा है वो सारा भर दीजिएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका चौथा पेज खुल जाएगा, ऑक्यूपेशन एंड स्किल, आप फिलअप कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन जो भी है आपका फिलअप कर लीजिएगा। आप नए हैं चैनल में, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नीचे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है, वो वर्किंग एक्सपीरियंस आप फिलअप कर लीजिएगा और नीचे का कॉलम फिलअप कर लीजिएगा। फिर अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपका बैंक डिटेल्स खुल जाएगी वो पेज, इसमें ऑलरेडी आपका जो लिंक्ड बैंक है वो शो कर जाएगा। अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी बैंक चेंज कर सकते हैं। सारा डिटेल्स भर दीजिएगा। आप नए हैं चैनल में, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। डिक्लेरेशन में जो बॉक्स है उसमें टिक करके फिर अगेन सबमिट कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी रेडी है। आपका यूएएन कार्ड आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, वैसे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये था ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, हमने आपको सारा कुछ बता दिया। आप अपना घर में मोबाइल से ये सब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेट भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बी आर एम जी एस एस। बस आज के लिए इतना ही।